नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके खबर नाउ 24x7 में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज सांबा में नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगी केमिकल फैक्ट्रीज के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों को हो रहे नुकसान का हवाला दिया गया कि इससे किसानों की फसल खराब हो रही है और साथ ही कई बीमारियां यहां के स्थानीय लोगों को हो रही हैं। सांबा से सतीश कुमार की रिपोर्ट। उसी ले लेते हैं और हमारे जो इनोसेंट लोग हैं उनको यहां पे जहर दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। हम इसकी आलोचना करते हैं और जब तक ये फैक्ट्रियाँ बंद नहीं की जाती, केमिकल की फैक्ट्रियाँ, तब तक पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता आए दिन यहाँ पे धरने प्रदर्शन करते रहेंगे और हो सके हम रोड ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो जिला प्रशासन सांबा की होगी। जैसे इन्होंने सांबा एडमिनिस्ट्रेशन की सारी मिली भगती है, ये DIC लेबर कमिश्नर सांबा सारे मिले हुए हैं। हमने तो एक देखी अभी थोड़े दिन पहले, एक कॉन्ट्रैक्टर की लेबर 100 बंदा उसका बाहर निकाल दिया, जो कि आज की डेट में कोई चार साल से काम कर रहा है। वो एकदम से कोई उसको इंटीमेशन, कोई नोटिस बगैर उसको मतलब पैसे खाकर, कोई हमारे पूर्व विधायक की कितनी मिली भगती है इस टाइम की, GM के साथ पूरा मिलके वो अपना चला रहा है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं। पूरे क्रिमिनल आदमी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टर की जगह लगाए जा रहे हैं। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, देश को भागने वाला कानून वापस लो, देश को भागने वाला कानून वापस लो। जम्मू के एग्जीबिशन रोड प्रेस क्लब जम्मू में जर्नल कैटेगरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा SC ST मेट्रो सिटी कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जनरल कैटेगरी के सदस्यों ने कहा कि ये जनरल कैटेगरी के साथ एक नाइंसाफी है कि बिना किसी जांच के किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सके। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए जनरल कैटेगरी के लोगों ने कहा कि सभी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। उन्होंने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि वो ऐसा करके SC ST के लोगों को खुश कर देगी तो ये उनकी भूल है। आने वाले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। जनरल सेक्रेटरी जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, जो कानून इस मोदी गवर्नमेंट ने लाया है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवर रूल करने के लिए, ये बिल्कुल एक भद्दा मजाक है जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ। अभी हाल ही में इस एक्ट के तहत एक कर्नल आनंद को नोएडा आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक एडिशनल DC ने ये जबरदस्ती का एक्ट लगा के उसको 3 दिन अंदर हवालात में रखा और उसकी बेल हुई है। ये जो कानून है ये एक ब्लैक कानून है और इस देश को बांट के रख देगा। तिरियात से सुंदरबनी के रोड की खस्ता हालत देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रोड की जर्जर हालत देखकर आप सोच में डूब जाएंगे कि आखिर यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन व्याप्त करते होंगे, क्योंकि रास्ता इतना खराब है कि पैदल भी चलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रशासन गहरी नींद में है। तिरियात से अनिल गग्याल की रिपोर्ट। सांबा में आज स्कूल के बच्चों ने पॉलिथीन के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें पॉलिथीन से फैल रहे प्रदूषण को बैनर पर दर्शाया गया। इस मौके पर लोगों को पॉलिथीन से नुकसान के बारे में भी जागरूक किया गया। सांबा से सतीश कुमार की रिपोर्ट। हीरानगर में आज महिलाओं ने BL कांडले और साथियों के अमरण अनशन पर कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन से गरीब SC समुदाय के लोगों को मिलने वाली जमीन पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हीरानगर।
आज जीवन संदेश संस्था के सहयोग से महिला कॉलेज गांधीनगर में कैंसर के विषय पर एक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस अवसर पर डीव काम जम्मू श्री संजीव वर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने भी इस जागरूकता शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने 6 छात्रों को कैंसर के विषय में जानकारी दी। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। इससे पहले की सिम्टम्स के बारे में बताऊं, मैं कहता हूं कि अवेयरनेस अबाउट ए डिजीज वेदर इट इज कैंसर और एनी अदर डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्ट ऑफ टाइम हमारी जो सोसाइटी है इसमें अवेयरनेस की बहुत कमी होती है, तो अनफॉर्चुनेटली उसी वजह से हमारे जो पेशेंट्स हैं लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। अगर मैं अपना फील्ड लूँ कैंसर का, तो अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारे 70% पेशेंट्स स्टेज 3 और स्टेज 4 में प्रेजेंट करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका कारण माना गया है, मेरे को लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारी पॉपुलेशन में और हमारे हेल्थ वर्कर्स में। शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही क्रमिक भूख हड़ताल आज 9वें दिन भी जारी रही। आज सैकड़ों की संख्या में जिला राजौरी के शिक्षक क्रमिक भूख हड़ताल पर प्रेस क्लब जम्मू के एग्जीबिशन रोड में बैठे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए शिक्षकों ने कहा कि जब तक उन्हें 7वां वेतन आयोग नहीं मिल जाता, तब तक वो अपनी क्रमिक भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। आज टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से शुरू की गई चेन हंगर स्ट्राइक 9वां दिन उसका आज है, और हम आज भी ये कहूँगा पिछले दिनों गनाई साहब की तरफ से एक अपील आई कि हमें अपनी हंगर स्ट्राइक से उठ जाना चाहिए, लेकिन हम उसे ये कहते हैं हम शोक से यहाँ नहीं बैठे हैं। बार बार अपील करने के बाद मजबूर होकर हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। हम आपसे कहते हैं हम भूख हड़ताल से उठने के लिए तैयार हैं। आप मात्र 143 करोड़ रुपया जो ऑलरेडी हमारी सैलरी के लिए आप देते हैं, 40 करोड़ रुपया उसमें आप जोड़ दें, उससे हमारे 7th पे कमीशन के लिहाज से सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। हम अपने अपने स्कूलों में जाकर उन गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। डिलिंकिंग के लिए हम आपको 2 या 3 महीने का समय दे सकते हैं, लेकिन 7th पे कमीशन जब तक आप हमें नहीं दोगे तब तक हम यहाँ ये चेन हंगर स्ट्राइक से नहीं उठेंगे। खुले आसमान के नीचे इस बारिश के बीच में दिन रात यहीं पर रहेंगे, तब तक यहाँ से हम नहीं उठेंगे जब तक आप 7th पे कमीशन का बेनिफिट हमें नहीं। विनोद शर्मा जी ने कहा कि आज हमारी जो चेन हंगर स्ट्राइक का 9वां दिन है, 9 दिन से हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन तब तक हमारी ये जंग जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी और हमें 7th पे कमीशन का बेनिफिट नहीं मिल जाता। हमें ये समझ नहीं आ रही है 6th पे कमीशन का बेनिफिट सरकार ने आज टीचर्स को दे दिया, तो 7th पे कमीशन देने में उनको क्या तकलीफ, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक 7th पे कमीशन नहीं मिलता हमें। आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी कीजिए और हमें 7th पे कमीशन का बेनिफिट दे। आज भाजपा के त्रिकुटानगर कार्यालय जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुंदरबनी के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नेताओं के गले में भाजपा के चंडाल कर उनका भाजपा में स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए रविंद्र रैना ने कहा भाजपा द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर रोजाना कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आने वाले म्युनिसिपल चुनाव में भाजपा क्लीन स्वीप कर देगी। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। पुराने काउंसलर रहे हैं श्रीमान अशोक कुमार जी, जो पंचायतों में सक्रिय है, जिनकी भूमिका रही है, और श्री सुरजीत जी जो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये बहुत एक ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक पल है, क्षण है। झेलम रेजिडेंट्स ने आज श्रीनगर में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से प्लॉट के लिए उनकी पुरानी मांगों को पूरा करने की नारेबाजी की और मांग की है कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगें पूरी की जाए। श्रीनगर से रईस अहमद की रिपोर्ट।
श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी देखी गई, जिसमें कई लोग सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। श्रीनगर से रईस अहमद की रिपोर्ट। कैची महकमा मुर्दाबाद, हरसार जय मुर्दाबाद, हरसार जय मुर्दाबाद, सरदार जय। बिलावर के गुरहा कल्याल में पानी की सप्लाई नहीं आने से लोग बहुत परेशान हैं, पर संबंधित विभाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिलावर से कैमरामैन चेतन के साथ विजय कुमार की रिपोर्ट। पूरी पब्लिक की भी गल करना की जी साड़ी समस्या जी हमारी साड़ी गुड़े कल्याल की जी समस्या ये बड़ी बहुत अनर्थ करे करते सारी समस्या की परेशानी बनावी की। अज तकरीबन पंजी दिन हो गए जरा पंप जरा क्या आखते बरदात का पंप खराब हो गया और पी एच ए वाले 24 दिन के आज तक पंप नहीं आया इनका। बिलावर में बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं, पर पीडीडी विभाग इस पूरे मसले को नजरअंदाज करता दिख रहा है। बिलावर से कैमरामैन चेतन के साथ विजय कुमार की रिपोर्ट। मल्हार हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने सीईओ कटवा के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें बच्चों ने बताया कि उनके स्कूल में फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट खाली है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। बच्चों ने जेके खबरनाओं को बताया कि अभी तक सिर्फ 50% सिलेबस ही पूरा हो पाया है और इसी महीने एग्जाम भी है। उन्होंने ये भी मांग की है कि उनके एग्जाम समर जोन में करवाए जाएं। मल्हार से अरशद वाणी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी ने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मुलाकात की और प्रदेश की सुरक्षा का जायजा लिया। श्रीनगर से सईद अहमद की रिपोर्ट। मुझे खुशी है कि जो एबल लीडरशिप हमें इन्होंने दी और जो पिछले टाइम से जिस तरीके से हमारी पुलिस ने काम किया है उसी तरीके से इनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहेंगी और जो जेके पुलिस उसी तरीके से अपना मजबूती से काम करती रहेगी, आवाम की बेहतरी के लिए, हालात की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। रियासी के थापा चौक पर मेटाडोर और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मेटाडोर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मौके पर आकर पुलिस ने मेटाडोर को हिरासत में ले लिया। रियासी से रोमेश कुमार की रिपोर्ट। कोकेनाग अड़ीगाम विलेज में लोगों ने पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें लोगों ने कहा कि उनके गांव में पानी नहीं आ रहा है, जिससे उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अनंतनाग से मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। हमारे साथ बहुत इस्तेसार किया है और उसके साथ हम एसडीएम फगतर साहब के पास भी गए और उसके बाद पीएचई वालों ने जो गुलाल पीड़ है उसने ये कहा कि 2 दिन के बाद हम ये काम पूरा करेंगे। उसके साथ 2 दिन के साथ साथ हमने 1.5 साल इंतजार किया कि जो कि हमारे साथ कभी तवज्जो नहीं दिया गया। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेके खबर नाव। आप हमारा फेसबुक पेज जेके खबर नाव भी लाइक कर सकते हैं और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने फोटो और नाम के साथ हमें भेज सकते हैं।